वो पहले जो सवाल होते तो पियो 18th अमेंडमेंट के हवाले से वो यो आ कि व्हाई वाज द नीड ऑफ 18th अमेंडमेंट, व्हाई देयर स्टिल एग्जिस्ट अ डिबेट रिवर्स, ये अन्या भी जो सो या छाजे लाए नीड पई है, अन्या भी इनके रिवर्स करने की जी डिबेट है वो छो हले थी पई। बो सवाल हाउ सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस हैज आफ्टर 18th अमेंडमेंट, ठीक है कि भाई सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस जेके हैं सो 18 तरमीम का पो की रहा है, आया बेहतर थे या अन्या खराब थे। बो सवाल व्हाट आर दी क्लॉज रिमेंड आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, 18 तरमीम का पो भी केड़ा क्लॉज हैं जेके 18 में प्रोविंस हैं सेंट्रल जे रिलेशंस में अन्या तई रहा है, ठीक है। 14 पॉइंट्स जेके होया कायदे आजम जा उनमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जी गाल भी आए, ठीक है। में पाना के तो छोड़ो एकड़ो ही याद होंदो आ के भाई सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, लेकिन उनमें एकड़ो यो पार्ट भी आए के कायदे आजम जे 14 पॉइंट्स में यो एकड़ो पॉइंट हो के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंदी जडे भी असा अलग मुल्क ठाईंदा थे उनमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दींदा थे, ठीक है। प्रोविंस जे कैन सो कैन मेक एंड इनेक्ट लेजिस्लेशन, प्रोविंसेस के यो हक होंदो के उहे लॉज जे कवा सो इनेक्ट करन ए उन उनजी लेजिस्लेशन भी करे सकन, ठाहे भी सकन, ऑटोनॉमी हुजे उन्हनि खे लॉ मेकिंग में। लेकिन थियो छा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी न मिली 1947 में उन्हनि खे हिकिड़ो लॉलीपॉप ॾिनो वियो, ठीक आहे चाइनीज़ सूबनि खे, ऐं प्रोमिस जेको हुयो 18th अमेंडमेंट जो उहो जेको आहे अची 2010 में असांखे मिलियो 18th अमेंडमेंट जी सूरत में, जेको क़ाइदे आज़म इहे सम्झ 14 पॉइंट्स में हिकिड़ो प्रोमिस कयो हुयो। हाणे रेजिड्यूरी रेजिड्यूरी पावर्स हूंदा आहिनि, रेजिड्यूरी पावर्स उहे हूंदा आहिनि के पावर्स सेंटर में प्रोविंसिस में डिवाइड कया विया आहिनि, ठीक आहे। कुझु पावर्स प्रोविंस खे ॾिना विया आहिनि, कुझु पावर्स फेडरल गवर्नमेंट खे ॾिना आहिनि, यानी कि सेंटर खे ॾिना विया आहिनि। लेकिन कुझु अहिड़ा मसला आहिनि जंहिं ते जेके उन में मौजूदु न आहिनि, ठीक आहे, पावर ॿिन्हिनि खे डिवाइड न आहिनि, त उन जो फ़ैसिलो केरु कंदो? पावर्स एक्सरसाइज अदर देन ऑलरेडी डिवाइडिड पावर्स, ठीकु आहे, डिवाइडिड पावर्स ई आहिनि, लेकिन इन्हनि डिवाइडिड पावर्स खां अलावा बि कुझु पावर्स आहिनि, हाणे उन्हनि ते लॉ मेकिंग केरु कंदो, उन्हनि ते कंहिंजो हक़ हूंदो, ठीकु आहे। उहे जेके पावर्स हूंदा आहिनि उहे रेजिड्यूरी पावर्स सॾाइबा आहिनि, रेजिड्यूरी पावर्स मतिलबु पावर्स अदर देन ऑलरेडी डिवाइडिड पावर्स। सम्झाइण तोखे ईअं ईंदी की भई लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंसिस जो हक़ आहे, इहो पावर हुनखे आहे प्रोविंस खे। एजुकेशन ऐं हेल्थ 18th अमेंडमेंट जे मुताबिक़ त एजुकेशन ऐं हेल्थ बि जेको आहे सो ॾिनी वई आहे हिनखे, प्रोविंसिस खे ई ॾिनी वई आहे। लेकिन एग्ज़ाम्पल अगरि तूं वठि जीअं फॉरन मिनिस्ट्री आहे, ठीकु आहे, फॉरन जेतिरा बि मसला मसाइल आहिनि या जेतिरा बि विज़िट्स आहिनि उहो फेडरल ॾिसंदो आहे, उहो सेंटर ॾिसंदो आहे, लॉ एंड ऑर्डर जेको आहे प्रोविंस पाण ॾिसंदो आहे। उहो एग्ज़ाम्पल मां हिकिड़ो ॾियां पियो न, हिकिड़ो मां एग्ज़ाम्पल ॾियां पियो न के फॉरन सर्विसिस सेंटर ॾिसे थो पियो, डिफेंस सेंटर ॾिसे थो पियो, लॉ एंड ऑर्डर जे लाइ प्रोविंस खे इजाज़त आहे की भई लॉ एंड ऑर्डर हर प्रोविंस पंहिंजो पाण ॾिसी सघे थो पियो। हीअ डिवीजन ऑफ पावर थी वई, इहे माना ऑलरेडी डिवाइडिड पावर्स थी विया। लेकिन हिकिड़ो ॿियो जेको आहे सो मिनिस्ट्री या हिकिड़ो ॿियो जेको आहे सो रेजिड्यूरी पावर अचे थो पियो वाटर जे हवाले सां, ठीकु आहे, भई हाणे वाटर जो जेको आहे कंहिंखे ॾिनो वेंदो, सम्झे थो पियो, वाटर जो मसलो आहे त उहो केरु हल कंदो, हुन ते पंहिंजो पावर केरु एक्सरसाइज़ कंदो, आया सेंटर कंदो या वरी प्रोविंस कंदो, ठीकु आहे। रेजिड्यूरी पावर उहे हूंदा आहिनि जेके अदर देन डिवाइडिड पावर हुजनि, मिनिस्ट्रियूं पावर हर हिक खे अॻ में ॾिनियूं वयूं आहिनि, ठीकु आहे। हाणे उन्हनि खां अलावा को अहिड़ो पावर अचे थो या उहो अहिड़ो को मसलो अचे थो जेको हुन लिस्ट में मौजूदु न आहे की भई फलाणा पावर तूं ॼाण, फलाणा पावर तूं ॼाण, उन्हनि फलाणनि पावरनि खां अलावा को टिलाणो पावर अची थो वञे, त हाणे उन ते केरु जेको आहे पावर एक्सरसाइज़ कंदो उनखे हल करण जे लाइ, सम्झी वए, त उहे हूंदा आहिनि रेजिड्यूरी पावर। हाणे रेजिड्यूरी पावर जो बि प्रोविंसिस जे हवाले सां जिना साहब वाइदो कयो प्रोविंसिस खे रेजिड्यूरी पावर पंहिंजा ॾिना वेंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध में अगरि को अहिड़ो मसलो थिए थो त हुनखे रेजिड्यूरी पावर हुजे की उहो सिंध ई हल करे, ज़रूरु न आहे की अची सेंटर जेको आहे हल करे। विच में कराची जे हवाले सां कहिड़ो हिकिड़ो पोर्ट जे हवाले सां मसलो हले पियो, अलाए आइलैंड जे हवाले सां मसलो हले पियो, जंहिं महिल पाण पेपर ॾियो उहो हुयो न, ऐं उनमें इहो ई हुयो, उनमें इहो ई मसलो हले पियो की भई हाणे रेजिड्यूरी पावर डिसाइडिड न हुया के सेंटर हुन में छो दख़ल अंदाज़ी करे थो, सिंध गवर्नमेंट पाण करे न, की सेंटर जो कहिड़ो हक़ आहे जे अची सिंध जी मीरास ते या कराची जे हिकिड़ी प्रॉपर्टी ते हो करे, इमरान ख़ान जे टाइम में हुयो इहो,
हाणे 1956 अॻिली पेज ते 1956 जो जो कॉन्स्टिट्यूशन आहे न, उहो कॉन्स्टिट्यूशन ई जेको जिना जो विजन हुयो हुन जे ख़िलाफ़ु ठाहियो वियो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठाहियो वियो, लेकिन हुन में जेके रेजिडरी पावर हुया उहे सेंटर खे ॾिना हुया। हाणे हिन में रेड पेन सां लिखियलु थी 18th अमेंडमेंट इज़ दी प्रोमिस टू प्रोविंसिस फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गारंटीड बाय जिना इन 1929 इन हिज 14 पॉइंट्स बट एवॉडिड टू प्रोविंसिस इन 2010 इवन नॉट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जेको पोयों जेको बि पढ़ी आया थे न, इहो सम्झी हुनजो क्रक्स आहे की भई 18वीं तरमीम हिकिड़ो प्रोमिस हुयो प्रोविंसिस जे लाइ की हुननि खे ऑटोनॉमी ॾिनी वेंदी, उहा ऑटोनॉमी जेका जिना 1929 में 14 पॉइंट्स में गारंटी कई हुई, प्रोमिस कई हुई, लेकिन उहा 2010 में प्रोविंसिस खे मिली हुई। ठीकु आहे, ऐं उहा इवन हुन 1929 में ॻाल्हि कई त प्रोविंसिस खे पार्टीशन जे टाइम बि न मिली, वञी करे 2010 में मिली आहे। 2010 में बि हुनमें कुझु फ्लॉज़ आहिनि, अञा बि मतिलबु प्रोविंसिस हिन शइ में कुझु न आहिनि, अञा बि प्रोविंसिस चवंदा आहिनि की कुझु पावर्स मेनिपुलेट कया वेंदा आहिनि। कुझु हाणे फैक्ट्स आहिनि 18th अमेंडमेंट जे हवाले सां, ठीकु आहे, फैक्ट्स ई आहिनि की भई कॾहिं थी ऐं छा थियो। नेशनल असेंबली 18वीं तरमीम जेको आहे 8 अप्रैल 2010 में पास कई, सेनेट 15 अप्रैल ते 2010 में पास कई, प्रेसिडेंट हुनखे 19 अप्रैल 2010 में साइन कयो। ठीकु आहे, ऐं इट इज़ दी लार्जेस्ट अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन विच अमेंडेड 102 कॉन्स्टिट्यूशन, तमामु वॾी हिकिड़ी अमेंडमेंट आहे कॉन्स्टिट्यूशन जी, जंहिंमें 102 आर्टिकल्स खे अमेंड कयो हुयो। ऐं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान में हिनखे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बि चयो वेंदो आहे। हिन खां पोइ आहे की नीड ऑफ दी 18th अमेंडमेंट, हाणे अचनि थी उहे शयूं की भई 18th अमेंडमेंट जी ज़रूरत छो पई। सभिनि खां पहिरीं ज़रूरत आहे प्रोटेक्शन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन हुयो हुनखे प्रोटेक्ट करण जे लाइ। हुनखे कीअं प्रोटेक्ट करण जे लाइ, हुन में पहिरियों पॉइंट आहे आर्टिकल 6 हुयो कॉन्स्टिट्यूशन जो, अञा बि आहे, ठीकु आहे, 1973 में, 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन में हुनमें हिकिड़ी जेको आहे अमेंडमेंट जी ज़रूरत हुई। हुनमें एब्रोगेशन जो वर्ड हुयो, ठीकु आहे, एब्रोगेशन अगरि कोई कंदो त हुन सां हाई ट्रीज़न जे तरफ़ हलियो वेंदो, ठीकु आहे, जेकी मुशरफ़ कई एब्रोगेशन। पनिशमेंट इज़ हाई ट्रीज़न इज़ रिटन इन इट, दैट इज़ डेथ पेनल्टी, ठीकु आहे। हाई ट्रीज़न छा हूंदो आहे, पनिशमेंट में हिकिड़े क़िस्म जी हिकिड़ी पेनल्टी मिलंदी आहे, डेथ पेनल्टी हूंदी आहे इहा आर्टिकल 6 जे मुताबिक़। त पोइ हुनखे कंट्रोल करण जे लाइ 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन खे प्रोटेक्ट करण जे लाइ ऐं मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट खे कंट्रोल करण जे लाइ छा कयो वियो, त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इन 1962 वॉज एब्रोगेटेड बाय मार्शल लॉस। 56 वारो ऐं 2018 छा कयो वियो, एब्रोगेट कयो वियो, लेकिन 1973 वारो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज़ नॉट एब्रोगेटेड बट सस्पेंडेड इन 1977 एंड 1999 मुशरफ जे टाइम में, ज़ियाउल हक़ जे टाइम में, त हुननि एब्रोगेट न कयो लेकिन हुननि सस्पेंड कयो, हिन जे करे हुननि ते हाई ट्रीज़न न आयो, न ई हुन ते उन टाइम में, ठीकु आहे, न ई ज़िया ते, न ई हुन ते मुशरफ ते। मुशरफ ते हाई ट्रीज़न कंहिं महिल आयो, जंहिं महिल 18वीं तरमीम अची वई, ऐं 18वीं तरमीम में इहे वर्ड सस्पेंड फिलाणो विलाणो जेके बि वर्ड हुया एड कया हुया, उहे बाबा एब्रोगेट त न करनि पिया, उहे सस्पेंड करनि पिया। एब्रोगेट जो मतिलबु आहे की कॉन्स्टिट्यूशन ई ख़तमु थी वियो, सस्पेंड जो मतिलबु आहे की हुननि विद होल्ड करे छॾियो कुझु वक़्त जे लाइ, जेतिरे वक़्त ताईं इहे माना हुकूमत में रहनि, हुकूमत न हूंदी, डिक्टेटरशिप में रहनि, त तेसि ताईं जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूशन रहंदो, सस्पेंड रहंदो, जीअं हिननि जी डिक्टेटरशिप ख़तमु थी वेंदी, डेमोक्रेसी अची वेंदी, वरी कॉन्स्टिट्यूशन बहाल थी वेंदो, त हुननि सस्पेंड कयो। 18th अमेंडमेंट एडिड ऑल सिनोनिम्स, हू सो एवर एब्रोगेट्स, सस्पेंड्स, अबेट्स, सप्रेसिस, होल्ड्स इन अबेंस आर फैसिलिटेट एनी वन विल बी हेल्ड फॉर हाई ट्रीज़न। त माना हिननि जेके बि सिनोनिम्स हुया एब्रोगेशन जा, उहे सभु एड करे छॾिया। इहा हुई आर्टिकल 6 जे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जी प्रोटेक्शन, आर्टिकल 6 में माना हिकिड़ो पैराग्राफ एड कयो वियो, सिनोनिम्स एड कया विया, जेको बि एब्रोगेट कंदो, जेको बि सस्पेंड कंदो, जेको बि अबेट कंदो, जेको बि सप्रेस कंदो, जेको बि होल्ड इन अबेंस कंदो कॉन्स्टिट्यूशन खे, जेको बि कंहिं अहिड़े माण्हू खे फैसिलिटेट कंदो जेको कॉन्स्टिट्यूशन खे एब्रोगेट करे थो या सस्पेंड करे थो, उन खे हाई ट्रीज़न आर्टिकल 6 हुन ते लॻायो वेंदो। इन जे करे आर्टिकल 6 जे हवाले सां अमेंडमेंट जी तमामु ज़रूरत हुई। इहो थियण खां पोइ वरी मुशरफ छो जे ज़िंदा आयो, ज़िया त ज़िंदा न हुयो, मुशरफ ज़िंदा आयो इन 18वीं तरमीम खां पोइ, वरी मुशरफ ते पोइ हाई ट्रीज़न लॻी वई। ठीकु आहे, अॻिली उहो आहे की भई इट वॉज़ रिटन इन आर्टिकल 6 दैट
एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज हाई ट्रीजन. एब्रोगेशन हाई ट्रीजन डिक्लेयर कही नहीं, बट डिक्टेटर्स इन 1977 एंड 1999 डिड नॉट एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन फैक्ट सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन. हेंस 18th अमेंडमेंट वॉज डन टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अहिड़ी क़िस्म जी जेकी इन्फ्रिंजमेंट थींदी या मैनिपुलेशन थींदी कॉन्स्टिट्यूशन जी, उनखे रोकण जे लाइ उहो 18th अमेंडमेंट आई. आफ्टर 18th अमेंडमेंट हू एवर एब्रोगेट सप्रेस, इहे पहिरीं ॻाल्हि अची वई. ठीकु आहे, उहो हाई ट्रीजन उन ते लॻंदो, विच इज़ पनिशेबल टू डेथ अंडर हाई ट्रीजन एक्ट 1973. ठीकु आहे, हाणे पनिशेबल टू डेथ छा हूंदो, हाई ट्रीजन एक्ट आहे 1973 जो, उन में जेको आहे सो हिनखे उहो लॻंदो. इहे जो हाणे पोइ ते पढ़ियो त इहो हुनजो क्रक्स आहे. ठीकु आहे, हिन खां पोइ जेकी आहे ज़रूरत छो पई 18th अमेंडमेंट जी, देर वॉज नीड टू एड सम न्यू फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीकु आहे, फंडामेंटल राइट्स कहिड़ा, टे फंडामेंटल राइट्स एड कया हुया. आर्टिकल 10A राइट फॉर फेयर ट्रायल, राइट ऑफ फेयर ट्रायल. आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन. आर्टिकल 25A राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 16. इहे टे आर्टिकल जेको आहे फंडामेंटल राइट एड कया हुया, हिननि जी सख़्तु ज़रूरत हुई, पोइ 18th अमेंडमेंट में इहे एड कया हुया. टियों जेको आहे भाई ज़रूरत जेकी हुई 18th अमेंडमेंट जी, उहा हुई की देर वॉज़ नीड टू क्लैरिफाई पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसिस. सेंटर एंड प्रोविंसिस में जेकी पावर शेयरिंग हुई उहा कंफ्यूज हुई, सिस्टम कंफ्यूज हुयो. उनखे शेयर करण जे लाइ बि 18th अमेंडमेंट जी तमामु ज़रूरत हुई की भई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कीअं हुजणु खपे, उहा कीअं हुजणु खपे. 1973 में जे कॉन्स्टिट्यूशन में ॿ लिस्टां हुयूं, टू लिस्ट, जंहिंमें 59 पॉइंट्स हुया. हिकिड़ी लिस्ट हुई फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट. ठीकु आहे, उनमें हुयो की लॉ लेजिस्लेशन बाए फेडरल ओनली. फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जेके बि लॉस ठहंदा हुया, जेकी बि लॉ लेजिस्लेशन थींदी उहा सिर्फ़ु फेडरल कंदी हुई. उनखां पोइ उनमें हिकिड़ी लिस्ट 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन में ॿ लिस्टां हुयूं पावर शेयरिंग जे हवाले सां. उन ॿिनि लिस्टनि जा जेके पॉइंट्स हुया उहे 59 हुया. पहिरीं लिस्ट हुई फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट. फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जेकी लॉ लेजिस्लेशन थींदी उहा सिर्फ़ु फेडरल कंदो, यानी की लॉ लेजिस्लेट कंदो सिर्फ़ु फेडरल पहिरीं लिस्ट में. उन खां पोइ कंकरंट लिस्ट हुई जंहिंमें 47 पॉइंट्स हुया. ठीकु आहे, रिटन दोज थिंग्स इन विच बोथ सेंटर एंड प्रोविंस कैन मेक लेजिस्लेशन टुगेदर. कंकरंट लिस्ट में उहे शयूं हुयूं जंहिंमें सेंटर ऐं प्रोविंस मिली करे लेजिस्लेशन करे सघे थो. यानी की फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में सिर्फ़ु फेडरल करे थो, कंकरंट लिस्ट में जेके बि शयूं अचनि थियूं उनमें फेडरल ऐं प्रोविंस मिली करे लेजिस्लेशन करे थो. लेकिन 47 जेके हुया इहे छा हुया की भई हिननि ॿिन्हिनि ते सेंटर ऐं प्रोविंस मिली करे लेजिस्लेशन कंदो. इफ़ क्लेश ट्रेवल्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस इन कंकरंट लिस्ट वाइल मेकिंग लेजिस्लेशन, सेंटर लॉ विल प्रिवेल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. कंकरंट लिस्ट में मसलो अचे पियो, कंकरंट लिस्ट में जेके बि शयूं हुयूं उन सां लॉ मेकिंग ॿई करे सघनि पिया, लेकिन अगरि कोई क्लेश अचे पियो प्रोविंस ऐं सेंटर जे विच में लॉ मेकिंग जे हवाले सां, हिननि कंकरंट लिस्ट में कंहिं शइ ते लॉ मेकिंग करनि पिया, त पोइ प्रोविंस ऐं सेंटर में को क्लेश अची वञे पियो. लेकिन उन क्लेश में जेको लॉ मेकिंग थींदो, प्रिवेल जेको कंदो, यानी की जंहिंजी अथॉरिटी प्रिवेल कंदी, उहा कंहिंजी कंदी, सेंटर जी कंदी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973. फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ जे हवाले सां, सिग्नल जे हवाले सां एग्ज़ाम्पल ॾियां थो. प्रोविंस चए थो की भई प्रोविंस चए थो की भई जंहिंमहिल ग्रीन थी वञे पोइ गाॾियूं वञनि, लेकिन सेंटर चए थो न जंहिंमहिल येलो थी वञे पोइ गाॾियूं वञनि. हाणे इहो हिकिड़ो क्लेश अची वियो, ॿिन्हिनि लॉ ठाहियो. लेकिन 143 आर्टिकल जे मुताबिक़ कॉन्स्टिट्यूशन जे लॉ जेको आहे प्रिवेल कंहिंजो कंदो, सेंटर जो कंदो, की भई जंहिंमहिल येलो थी वञे पोइ गाॾियूं वञनि. त हुन खां पोइ प्रोविंस इज़ द ओनली सोल पावर ऑन 8 लिस्ट मेंशन्ड इन फेडरल लेजिस्लेटिव एक्ट पार्ट 2. ठीकु आहे, फेडरल लेजिस्लेटिव एक्ट जेकी लिस्ट हुई न पहिरीं, उनमें ॿ पार्ट हुया हुन जा, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जा ॿ पार्ट हुया. हिकिड़ी पार्ट 1 हुई, हिकिड़ी पार्ट 2 हुई. त पार्ट 2 जेकी फेडरल लेजिस्लेटिव एक्ट हुयो न, उनमें जेके पावर्स हुया प्रोविंसिस वटि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 8 हुया, 8 लिस्ट ते हुया सिर्फ़ु. त पोइ इन रियलिटी दे हेड नो पावर ऑन कंकरंट लिस्ट. रियलिटी में ॾिठो वञे त प्रोविंसिस वटि कोई बि कंकरंट लिस्ट जा हुननि वटि पावर न हुया. कंकरंट लिस्ट में ज़ाहिर ॻाल्हि आहे
अगर प्रोविंस कुछ ॾे बि त हरू भरू बि सेंटर चए कि न असांखे मंज़ूर न आहे त प्रिवेल त सेंटर ई कंदो कंकरंट लिस्ट ते माना प्रोविंस जो एतिरो को पावर कान हुयो त इहो हिकिड़ो माना वॾो मसइलो हुयो हिन खे क्लैरिफाई करणु ज़रूरी हुई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुजणु तमामु ज़रूरी हुई हाणे उहा कीअं करणी या कीअं थी 18th अमेंडमेंट वञी उनखे कीअं कयो आफ्टर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन द पावर डिवाइडेड इन टू टू लिस्ट हाणे जेको मथे पढ़ियो अथई इहो पैराग्राफ फॉर्म में आहे 1973 इहो बि यादि रखिणो आहे की फेडरल लिस्ट ऐं कंकरंट लिस्ट 18th अमेंडमेंट न आंदी इहा 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन में पहिरियों बि मौजूदु हुई ठीकु आहे आफ्टर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन द पावर डिवाइडेड इन टू टू लिस्ट पावर डिवाइड कयो वियो ॿिनि लिस्ट में फेडरल लिस्ट विथ टू पार्ट विथ 59 सब्जेक्ट्स ठीकु आहे ॿ पार्ट्स हुया हुनजा ऐं कंकरंट लिस्ट विथ 47 सब्जेक्ट्स फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जा ॿ पार्ट हुया हुनमें 59 सब्जेक्ट्स हुया कंकरंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हुया According to Article 143 of Constitution, a clash occurs between province and center on any matter within concurrent list, the law of center shall prevail. Hua hi matho mari gala. 18th Amendment was done and concurrent list of legislation was suppressed. 18th Tarmeem je mal thi, the concurrent list je ki hui, unhi ke suppress kayo hoyo. Theek hai, concurrent list ke khatam na kayo hoyo. Yo bhi word te bhi zor dena hoga ki suppress kayo hoyo. 44 subjects given to provinces out of 47 and remaining 3 are still in concurrent 44 subjects jeke anu we directly provinces ke dena hoya ki baba eta jaye khano un tre jeke subjects anu wanya ta concurrent list mein maujood han we tre subject we tre ke dan sa criminal law thiyo criminal procedure thiyo evidence law thiyo ane ye we edu shay hoyu jeka center je un mein bhi achi sikin payu province je un mein bhi achi sikin ke center ji बाउंड्रीज़ में भी इन्हनि ते मसलो थी सघे थो पियो ऐं प्रोविंसिस जी बाउंड्रीज़ ते बि मसलो थी सघे थो इन जे करे हिननि खे कंकरंट लिस्ट में रहणु ॾिनो प्रोविंसिस खे न ॾिनो सम्झे पार्लियामेंट एंड प्रोविंसिस हैव पावर टू मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉज़ ऑन दीज थ्री सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट एंड प्रोविंसिस ॿिन्हिनि वटि इहो पावर आहे की उहो लॉज़ मेक करनि ऐं इम्प्लीमेंट करनि हिननि टिनि सब्जेक्ट्स ते हिन खां पोइ जेकी आहे चोथों द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वॉज़ रिवाइव्ड अंडर आर्टिकल 153 एंड 154 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जंहिंखे सी सी आई पाण चवंदा आहियूं इहा बि 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन में पहिरियों खां मौजूदु आहे ठीकु आहे उनखे रिवाइव कयो वियो आर्टिकल 153 एंड 154 जे मुताबिक़ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट छा आहे की भई हिकिड़े नीड ऑफ प्लेटफॉर्म आहे की अगरि क्लेश थिए प्रोविंस ऐं सेंटर में त उन क्लेश खे छा कयो वञे उन प्लेटफॉर्म जे ज़रिए हल कयो वञे और स्मूथ वर्किंग ऑफ सी सी आई meetings at least once in 90 days and they have the power to discuss all the things in federal legislative part 2 theek hai cci ji smooth working ke liye har 90 din ko po ekri meeting rakhi hai ki har 90 din ko po meeting thena kape cci ji chahe da ke jeke discuss karno aaj center and province mein federal legislative part 2 je ko un wale sa census wagera dekho na federal legislative part 2 je ki list down mein india 154 आर्टिकल जे मुताबिक़ त हाणे हिन सी सी आई में 8 मेंबर हूंदा आहिनि जंहिंमें हिकिड़ो पी एम हूंदो आहे 4 सी एम हूंदा आहिनि चइनी सूबनि जा ऐं 3 मिनिस्टर्स हूंदा आहिनि ठीकु आहे अकॉर्डिंग टू मैटर जंहिं शइ जो मैटर हुजे उन हवाले सां 3 मिनिस्टर्स हूंदा हाणे जेके सेंसिस थिया हाणे 2023 में थिया न सेंसिस हाणे टेवीह में थिया हाणे रिसेंटली थिया हिन खां पहिरियों कॾहिं थिया 2018 में एज़ पर सेंसिस रूल्स 2018 में थिया त नेक्स्ट वरी कॾहिं थियणु खपे न अठावीह में थियणा हर ॾह साल खां पोइ जेको आहे न सेंसिस थियणा हूंदा आहिनि लेकिन 2023 में छाजे लाइ थिया हींअर 2023 में सी सी आई जी मीटिंग थी जंहिंमें मुराद अली शाह इहो सुवालु उथायो की भई सेंसिस जेके 2018 जा थिया हुया उहे सही न थिया हुन में सिंध जी जेकी पॉपुलेशन आहे उहा जेको आहे घटि ॿुधाई वई आहे कराची जी पॉपुलेशन घटि ॿुधाई वई आहे ठीकु आहे सिंध जी पॉपुलेशन घटि ॿुधाई वई आहे त हिन जे करे सेंसिस कराया वञनि त इहो जेको डिसीशन थियो हुयो सिंध माना मसलो उथायो हुयो फोन ते डिस्कशन थी सी सी आई में माना सी सी आई कमु आयो हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आयो उन्हनि ते उन्हनि ॻाल्हायो ऐं ॿीहर सेंसिस कराया माना कोई बि मिनिस्टर पंहिंजो मसइलो मसाइल ते
डिस्कस करे सके तो इन में पोजे की नीड हुई 18th अमेंडमेंट जी छा हुई देयर वाज अ नीड टू रीडिफाइन द क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर टू प्रोविंस। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जेके होया उन जी भी जरूरत हुई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के जेको आ सो के सेंटर का प्रोविंस ये शयूं डिवाइड करनी वन डिस्ट्रीब्यूट करनी वन तो उन हवाले से भी 18th अमेंडमेंट जी तमाम ज्यादा जरूरत हुई। इनमें हो क्या रेवेन्यू इन सेंटर इज कॉल्ड डिविजिबल पूल। जो भी रेवेन्यू इंदो आ सेंटर में टैक्सेस के जरिए हर शय के जरिए उन्हीं के डिविजिबल पूल चवंदा आन। पहिरों जो डिविजिबल पूल हों 52.5% सेंटर के मिलो हो। द फिफ्थ पॉइंट इज देयर वॉज अ नीड टू रीडिफाइन द क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स फ्रॉम द सेंटर टू प्रोविंस। जरूरत हुई कि जो क्राइटेरिया है फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि पैसा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करण जो जो मसलो हो उनको जो क्राइटेरिया हो वो कन्फ्यूज क्राइटेरिया हो कि सेंटर जो भी पैसों दींद हो प्रोविंस के वो पूरा न थो हो उन नए क्राइटेरिया की जरूरत हुई। तो क्राइटेरिया के जो पे क्राइटेरिया हो डिविजिबल पूल में पैसा जो सो हरे वा रेवेन्यू जो कलेक्ट थो सो सजे मुल्क जो उनके डिविजिबल पूल चवंदा तो 52.5% सेंटर खण हो 47.5 प्रोविंसिस में शेयर किया वो टेन ही प्रोविंसिस में। लेकिन 18th अमेंडमेंट का थो ये कि 42.5% हाँ सेंटर खण 57.5% जो प्रोविंसिस के दिनों वो प्रोविंसिस में शेयर किया वो हाँ ये 57.5 भी वही अना फर्दर डिवाइड किया वो कि डिवाइड किया वो डिस्ट्रीब्यूशन जी हुई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कई वही सही है। लेकिन इतने एक थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अचे तो 18th अमेंडमेंट का पे NFC वार्ड जो थो हो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जो मिसाल दिन आ पे जो थो हो वो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हो जे करे जो ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन तमाम ज्यादा हुई वेस्ट पाकिस्तान जो एरिया वो हो यानी कि बांग्लादेश में पॉपुलेशन उन टाइम ज्यादा हुई पा पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की एरिया ज्यादा हो उन टाइम उन्होंने NFC वार्ड जो शेयर किया पॉपुलेशन के मुताबिक ना एरिया के हिसाब से ताकि जो शेयर है वो पाकिस्तान के ज्यादा मिले बांग्लादेश के ज्यादा न मिले वो ये अलग न थे थोड़ी शूं हुई। अच्छा हाँ सागो हाँ 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 जो वो इन कम सागो बांग्लादेश वो कम इन बलोचिस्तान से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का पे एरिया के मुताबिक प्रोविंसिस के दिनों वो ऐसो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आ सो पॉपुलेशन के मुताबिक NFC अवार्ड देने शुरू कर छोड़े बलोचिस्तान जो एरिया ज्यादा हो जैमल बांग्लादेश हो तो होजन खपे पॉपुलेशन के मुताबिक बांग्लादेश की पॉपुलेशन ज्यादा हुई लेकिन इन एरिया के मुताबिक जैमल बांग्लादेश अलग थो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अची वो तो वो एरिया वो हले आ ना तो उन्हें एरिया वो कंटिन्यू न कर वरी उन्हें वरी पॉपुलेशन से कर छो जो एरिया बलोचिस्तान जो ज्यादा हो या पॉपुलेशन पंजाब की कोई तो वरी क्राइटेरिया इन चेंज कर छो तो उनते बलोचिस्तान जो इशू बुधा रो यो कि भाई बलोचिस्तान डिमांडेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी नीड के हिसाब से इक्विटी चवंदा जरूरत के हिसाब से ठीक है तुम जी डिस्ट्रीब्यूशन कर वह जरूरत के हिसाब से क्योंकि समटाइम्स इक्वलिटी इज नॉट जस्टिस बट इक्विटी कदें कदें जी बराबरी होंगी ना वो जस्टिस न हों जी जरूरत होंगी ना वह जस्टिस होंगे उनते हाँ एक एग्जाम्पल हो सुठो एग्जाम्पल दिनों सर कि एक मू आ मानी वानी खाई वेठो ठीक है एक बो मू आ जै सिर्फ सिर्फ एकड़ो एप्पल खाधो ठीक है लेकिन हाँ बो एप्पल पो आ वो डिस्ट्रीब्यूट करो ठीक है हाँ वो बो एप्पल आ अग तू उन्हीं के दे जै ड्रव कर मानी खाती है अग तू उन्हीं के दे जै अग में एक सिर्फ एप्पल खाधो नुकसान कें हालांकि इक्वलिटी ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलिटी से थी लेकिन इतने जरूरत हुई इक्विटी की इतने जरूरत हुई नीड की एक ऑलरेडी ड्रॉ कर वेटो आता तो उनके जरूर जाए अगर नींद तो फर्क न पवन जैसे जरूरत है उनके ऐसा ही थी
इक्विटी होंदी आ या तो पो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में 18th अमेंडमेंट को चार बेसिस जेके रखिया फर्दर माना जेके प्रोविंसेस के डिवाइड कयो हो उन्हनि में पॉपुलेशन जे हिसाब सां इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जिते अर्बनाइजेशन वग़ैरह घटि आहे प्रोविंशियल GDP जे हिसाब सां पॉवर्टी ऐं बैकवर्डनेस जे हिसाब सां उन्हनि छा कयो डिवीजन करे छॾी हुई 57.5% जी उन 57.5% खे अञा जेको आहे प्रोविंसिस जे विच में अञा प्रोविंसिस जे विच में 57.5% उहो अञा प्रोविंसिस जे विच में उन्हनि डिवाइड कयो ऐं फोर फैक्टर्स ते डिवाइड कयो पॉपुलेशन जे हिसाब सां पंजाब खे ज़्यादा मिले थो पियो इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी जे हिसाब सां जिते अर्बनाइजेशन घटि आहे उते उन्हनि खे मिले थो पियो प्रोविंशियल GDP जे हिसाब सां सिंध ज़्यादा शेयर ॾिए थो पियो त हुनखे थोरो हुन में वधीक मिले थो पियो पॉवर्टी ऐं बैकवर्डनेस जे हिसाब सां बलोचिस्तान पोइ ते आहे त हिन शेयर में बलोचिस्तान खे वधीक मिले थो ठीकु आहे त इहे चार फैक्टर्स आहे देर वॉज़ नीड टू रिवाइव द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसिस इज़ आस्क्ड बाय स्मॉलर प्रोविंसिस द क्राइटेरिया वॉज़ अपडेटेड टू अबव 4 पॉइंट्स ठीकु आहे त इहा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जी फाइनेंशियल 4 पॉइंट्स जी इनजी ज़रूरत हुई डिस्ट्रीब्यूशन जी ज़रूरत हुई अच्छा ॿियो जेको ज़रूरत हुई 18th अमेंडमेंट में जे प्रोविंसिस जे हवाले सां उहा 18th अमेंडमेंट पूरी कई ज़रूरत उहा ई अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ दी जजिस टू द हायर कोर्ट्स वॉज़ रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड जेको जजिस खे अपॉइंट करण जो प्रोसीजर हुयो न हुन में बि ज़रूरत हुई की इन प्रोसीजर खे चेंज कयो वञे पहिरियों ईअं हुयो की प्रेसिडेंट जेको आहे नॉमिनेट कंदो हुओ जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 18th अमेंडमेंट खां पोइ हुन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जजिस जेके हूंदा प्रेसिडेंट जे हथ में पावर हूंदो हुओ पंहिंजे मनपसंदि माण्हू जेको आहे उहो कंदो रहंदो हुओ प्रेसिडेंट नॉमिनेट कंदो लेकिन 18th अमेंडमेंट खां पोइ आर्टिकल 175A एड कयो वियो कॉन्स्टिट्यूशन में जंहिंमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठाही वई ठीकु आहे जजिस खे अपॉइंट करण जे लाइ हुन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 7 मेंबर हुया जंहिंमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुयो 2 सीनियर मोस्ट जजिस रखिया हुया सुप्रीम कोर्ट जा रिटायर जज रखियो हुयो सुप्रीम कोर्ट जो ठीकु आहे ऐं हिन खां अलावा 3 मेंबर्स जेके आहे फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स नॉमिनेट कया हुया ठीकु आहे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उहो बि हिनमें हुयो फेडरल लॉ मिनिस्टर बि हिनमें रखियो हुयो एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विथ एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस उहो बि हिननि 7 मेंबरनि में हुयो हुन में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान छा कंदी साईं नॉमिनेशन मोकिलींदी पार्लियामेंट्री कमेटी खे पार्लियामेंट्री कमेटी मौजूदु हुई अॻ में जुडिशल कमीशन पंहिंजी जेकी सलाह आहे या पंहिंजी नॉमिनेशन आहे उहा पार्लियामेंट्री कमेटी खे मोकिलींदी पार्लियामेंट्री कमेटी जेको आहे सो पार्लियामेंट्री कमेटी में वरी 8 मेंबर्स हुया ठीकु आहे आफ्टर अप्रूवल टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर साइन इहा न जुडिशल कमीशन नॉमिनेशन रखंदी उहा नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खां साइन कराईंदी साइन कराइण खां पोइ जेको आहे सो उहा जेकी नॉमिनेशन आहे पार्लियामेंट्री कमेटी ॾे वेंदी हुन खां पोइ नॉमिनेशन ऑफ जज टू हायर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ठीकु आहे नॉमिनेशन जेकी जज आहे हुन जज जी उहा हायर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ॾे बि वेंदी जंहिंमें 11 मेंबर्स हूंदा आहिनि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में जंहिं महिल हायर कोर्ट जी नॉमिनेशन वेंदी यानी की का अहिड़ी नॉमिनेशन आहे जेकी हायर कोर्ट जी आहे माना हायर कोर्ट जो जज जेको आहे सो नॉमिनेट करिणो आहे त उहा बि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ॾे वेंदी लेकिन पोइ उन प्रोसेस जे लाइ वरी उन्हनि 11 मेंबर्स रखिया आहिनि सही आहे जंहिंमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ईंदो सीनियर मोस्ट जज ईंदो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर ईंदो एडवोकेट ईंदो 15 साल जी एक्सपीरियंस सां इफ नॉमिनेशन हैज़ टू बी डन इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगरि हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉमिनेशन करणी आहे त पोइ 2 मेंबर्स जेके आहिनि सो वधीक एड कया वेंदा नव थी वेंदा जंहिंमें चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बि एड कयो वेंदो सीनियर मोस्ट जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उहो बि एड कयो वेंदो नॉमिनेशन जे लाइ 19th अमेंडमेंट वरी जेको आहे बाद में कई वई जंहिंमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 9 मेंबर जेको आहे रखिया हुया पहिरियों 7 हुया पोइ हुनखे 9 कयो हुयो हाणे हिन में आहे छा जंहिं महिल पार्लियामेंट्री कमेटी जी नॉमिनेशन मोकिली वेंदी जुडिशल कमीशन जे हवाले सां जे तरफ़ां त पार्लियामेंट्री कमेटी विल टेल द रीज़न ऑफ रिजेक्शन इफ इट रिजेक्ट्स नॉमिनेशन ऑफ जुडिशल कमीशन पाकिस्तान जुडिशल कमीशन पाकिस्तान नॉमिनेशन मोकिली कई जज जी पार्लियामेंट्री कमेटी हुनखे रिजेक्ट कयो लेकिन रिजेक्ट हुआ त असां कंदी रीज़न ॿुधाए करे कंदी Now, parliamentary committee sends to PM for approval. ठीकु आहे देन टू प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री कमेटी जंहिं महिल रिजेक्ट नथी करे थी एक्सेप्ट करे थी पोइ उहा जेको आहे प्राइम मिनिस्टर में मोकिलींदी प्राइम मिनिस्टर खां पोइ वरी उहा ॿीहर प्रेसिडेंट ॾे वेंदी हाणे अॻिलो आहे चैलेंजिस ऐं फ्लॉस एसोसिएटेड टू 18th अमेंडमेंट चैलेंजिस ऐं फ्लॉस जेके एसोसिएटेड आहिनि 18th अमेंडमेंट सां उहे छा आहिनि पहिरियों जेको आहे हाउ सेंटर एंड प्रोविंस रिलेशन हैज़ चेंज आफ्टर 18th अमेंडमेंट
एंटर एंड प्रोविंस जे के रिलेशन सब वे किए छे ध्यान 18th अमेंडमेंट का पो फिर उनमें पॉइंट आ के देयर वाज एन अपरप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस चैलेंज पे यो केड़ो आ कि देखी पावर डिस्ट्रीब्यूट कया होया वे अब्रप्टली कया होया ठीक है वो जल्दी जल्दी कया होया वो अब्रप्टली किए हैं उनके अगते डिफाइन कया हुआ कि पावर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेप बाय स्टेप फॉर बेटर रिजल्ट्स कड़े भी का भी शय अगर वही कहें कि डिनी वेंदी कड़े भी अब्रप्टली डिस्ट्रीब्यूट न कई वेंदी ठीक है आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कई वेंदी तो उनके रिजल्ट भी सुखा निकल उन जैमें इन्हें अब्रप्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कई एक बे उन्हें ब्लेम गेम शुरू थी वही जे भी प्रोविंसेस आज ठीक है प्रॉब्लमेटिक थी एक बे से इज नो वन इज टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्स सिस्टम सिस्टम थोड़ा खराब थी हो ज्यादा तो उनकी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी वे तैयार न हो हाँ एजुकेशन आ हेल्थ आ ठीक है ये लास्ट 60 ईयर्स का वर्स्ट हलन पाया तमाम खराब हलन पाया हाँ इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र अचे थी पी उन कोई वे तैयार ही ना है प्रोविंसेस जो आर बिजी इन करेक्टिंग फ्लॉड सिस्टम प्रोविंसेस माना इन शे में ही मसरूफ थी कि फ्लॉड सिस्टम उनके दिनों वो उन्हीं के सेट करें पावर डिस्ट्रीब्यूशन जी कई वही वो तमाम अब्रप्टली कई वही स्टेप बाय स्टेप न कई वही एग्जाम्पल हाँ इनमें दिनों अहमद शहीद ब्रेवली जो एग्जाम्पल आ इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया अब्रप्टली विथ ट्राइबल पीपल के उन भी अहमद शहीद ब्रेवली जो शरिया की जी इन्फोर्समेंट करना चाहिए वह ट्राइबल पीपल में वह तमाम अब्रप्टली कई वही जिनको इन्फ्लुएंस जो तमाम ज्यादा खराब आयो सो अब्रप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बैकफायर्ड एंड वर्सन द रिलेशंस अब्रप्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो उन अना सिचुएशन के खराब किया उन्हें बैकफायर कर छोड़ो रिलेशंस में अना रिलेशंस खराब थी जी हाँ ब्रिटिश जो एग्जाम्पल दिनल है कि ब्रिटिश जी डेमोक्रेसी उन्होंने इम्प्लीमेंट कई हुआ स्टेप बाय स्टेप कई तरी हुआ वही उन्हें कामयाब थी तो चेंज ऑफ सिस्टम जो अब्रप्टली वो एक फ्लॉ है ये एक बो जो फ्लॉ है देयर वॉज अ डिफरेंस इन द कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज गवर्निंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पाकिस्तान फेडरेटिंग यूनिट्स फेडरेटिंग यूनिट्स प्रोविंसेस के चवंदा ये डिफरेंसिस हुआ कैपेसिटी बिल्डिंग में उए जो आसो एक गवर्निंग स्ट्रक्चर जो यो भी वो फ्लॉ हो कैपेसिटी बिल्डिंग से मुराद के गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंसेस या कैपेसिटी वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर उन्हें कैपेसिटी उन्हें गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रोविंसेस जो एक बे का बिल्कुल ही अलग हो ये लगे हो जी पंजाब में बलोचिस्तान है डिफरेंट कैपेसिटी ठीक है पंजाब की सिचुएशन के हैंडल करने की कैपेसिटी अलग है उन्होंने रिसोर्सिज़म बलोचिस्तान की सिचुएशन हैंडल करने की डेवलपमेंट के हैंडल करने की या उनके डेवलप करने की प्रोविंस के उनकी कैपेसिटी अलग है उनके गवर्निंग स्ट्रक्चर अलग है पंजाब वॉज वन ऑफ दी सिक्स प्रोविंसिस अनडिवाइडेड इंडिया सिंस 1900 उन्वी सौ का वी पंजाब अड़ो प्रोविंस रोके सिक्स प्रोविंसिस रहा उन टाइम में अनडिवाइडेड प्रोविंसिस रहा तो उनकी कैपेसिटी जी हुई तमाम ज्यादा हुई NWFP 1937 में थी हो सिंध जो आ 1920 में बलोचिस्तान 1970 में जो आ समझ जैमल बांग्लादेश वन यूनिट पॉलिसी खत्म थी तो वही प्रोविंस थो बलोचिस्तान तो कैपेसिटी जी हुई उनकी बिल्कुल अलग है यो भी एक फ्लॉ हो पंजाब वॉज डेवलप्ड इन कैपेसिटी टू सस्टेन पावर एंड प्रोड्यूस रिजल्ट पंजाब में कैपेसिटी हुई कि वो सस्टेन कर सके पावर के उनके करे उन्हें सुठा रिजल्ट ना एजुकेशन में वो हेल्थ में अगत वो लेकिन बलोचिस्तान जो सिस्टम अलग हो केपी का जो डिफरेंस अलग हो सिस्टम जो चेंज हो पैराग्राफ्स टाइप में यो है कि तो कैपेसिटी बिल्डिंग वॉज द नीड ऑफ द अवर बिफोर पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बेटर रिजल्ट प्रोविंस प्रोविंस रिलेशन वर्सन दोबारा गाल हुआ असि कैपेसिटी बिल्डिंग तमाम जरूरी हुई पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अग में इन कर प्रोविंस टू प्रोविंस जो रिलेशन हो वो खराब थी अना हाँ ये सब वो ही पे पा गाल कई थे इनके दोबारा रिपीट करने की वैसे जरूरत ना है पैराग्राफ फॉर्म या इनके एक दो पढ़ जाए अच्छा टों जो इनमें अचे तो एक 18th अमेंडमेंट इज स्टिल एन अनफिनिश्ड एजेंडा अनफिनिश्ड एजेंडा की 18th अमेंडमेंट अना तीन आर्टिकल 140A जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन वो एबसेंट आर्टिकल 140A एड किया 18th अमेंडमेंट में वो छाला एड किया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इम्प्लीमेंट कराने के लिए लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का भी कान्ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज लाइक अ सोल एंड इट इज सोल ऑफ 18th अमेंडमेंट विच इज नॉट गेट एस्टेब्लिश्ड अ बॉडी विदाउट सोल ठीक है 18th अमेंडमेंट के बॉडी विदाउट सोल अक्सर औकात यो सवाल अची वो कि 18th अमेंडमेंट बॉडी विदाउट सोल छा लाया 18th अमेंडमेंट बॉडी विदाउट सोल इन कर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ उनकी का भी इम्प्लीमेंटेशन ना है ठीक है लोकल गवर्नमेंट इज हर्ट एंड सोल ऑफ 18th अमेंडमेंट लेकिन उनकी का इम्प्लीमेंटेशन ना है इन कर अनफिनिश्ड एजेंडा है अना तीन 18th अमेंडमेंट उनका मसलो देयर इज स्टिल नो क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर या पावर की डिमार्केशन डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटिज्म अना तक ना है पेपर प्रेजेंटेशन ओनली बट रियलिटी इज डिफरेंट
प्रोविंसेस के उन्हीं हिसाब से का ऑटोनोमी ना है, पेपर प्रेजेंटेशन में था, रियलिटी में भी ना है। सिंगल नेशनल करिकुलम बाय फेडरल नॉट बाय प्रोविंस, ये एक एग्जांपल है। सिंगल नेशनल करिकुलम फेडरल देनो, अलग एजुकेशन प्रोविंसेस के देना। आईजी जो सिंध जो वो फेडरल अपॉइंट थी, आईजी केपी के जो सिंध अपॉइंट थी, अलग आया वो सिंध जो। तो देखी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आ वो अना ताई ऑटोनोमी ऑफ प्रोविंसेस देखी आ ट्रू उन में ना है, लेटर एंड स्पिरिट में अना फॉलो न थी थे, बस पेपर प्रेजेंटेशन आ। इन को पोजो को फ्लॉ है नजर इंदो के प्रोविंसेस अना ताई फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जेकी 10 पॉइंट्स थी उन ते अना उनजी क्राइटेरिया देना उनजी डिस्कशन अलग ही भाई। और पॉपुलेशन के हिसाब से यो उन के मसलो इंदो कि भाई पंजाब जेको आ पॉपुलेशन ज्यादा है उनजी, ठीक आ केपी के जी जेको आ सो पॉपुलेशन घट आ, ठीक आ। त इन में या कैसा हल्दी रहती है इनवर्स पॉपुलेशन डाइवर्सिटी देखी हुई अर्बनाइजेशन उनके हवाले से भी केपी के चवन आ कि असा ज्यादा मिलन खपे, क्योंकि केपी के में बिल्कुल भी अर्बनाइजेशन ना है, ज्यादा ट्राइबल एरियाज हन उते, तो उनमें चवंदा असा के शेयर ज्यादा मिले। ये प्रोविंशियल जीडीपी में सिंध चवन आ कि भाई असा ज्यादा वो कंदा आयो शेयर दींदा आयो, तो असा के वधिक मिलन खपे। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस में बलोचिस्तान है केपी के बई चवंदा कि असा इन शयुनि में पोइते हूं, तो इन शयुनि में असा के शेयर ज्यादा मिलन खपे। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अना ताई चाहे मसला मसाइल आहिनि, क्राइटेरिया में अना इहो एक्सेप्टेड क्राइटेरिया ना आहे प्रोविंसिस जी तरफ़ा।